वैष्णोदेवी कटरा इथं जाणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसचा शुभारंभ झालाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा कंदील दाखवला. अमित शाह यांच्याबरोबर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि इतर मंत्रीही इथं उपस्थित होते. पण वंदे भारत एक्सप्रेसची नियमित सेवा 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या ट्रेननं प्रवास केल्यास प्रवाशांचा 4 तासांचा वेळ वाचणार आहे. यासाठी बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है. मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्रत्येक भारतवासी पर यूं ही बरसता रहे. देश के हर यात्री की, हर नागरिक की एक मन की इच्छा रहती है कि पहाड़ों पर विराजमान मां वैष्णो देवी का दर्शन करें और अपने आप को धन्यता की अनुभूति कराएं. और ये यात्रा एक जमाने में बड़ी कठिन हुआ करती थी. 2014 से जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सभी यात्रा स्थानों को देश के नागरिक सरलता के साथ, सुगमता के साथ वहां तक पहुंच सके, वहां की यात्रा उनकी सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए. और आज ये हाई स्पीड रेल, वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी. इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही है.